घर की सफाई दिवाली के पहले बहुत झनट वाला काम बन जाती है स्पेशली कोने कोने की सफाई ऐसे में जब अगारो अपरा टू इन वन वैक्यूम क्लीनर जैसा गैजेट मिल जाए तो फिर क्या कहने ही मैंने Amazon से अपराइट वैक्यूम क्लीनर परचेज किया एंड आई एम टोटली लविंग इट्स जॉब मुझे हमेशा ही घर के कोने कोने जैसे विंडोज के फ्रेम सोफे के साइड्स को क्लीन करने में बहुत दिक्कत होती थी बट अब ये सारी सफाई बहुत आसानी से हो जाती है इस छोटो से वैक्यूम क्लीनर के साथ में तो ये है इस वैक्यूम क्लीनर की आउटर बॉक्स पैकेजिंग काफी अच्छी स्टडी पैकेजिंग में ये आपको रिसीव होता है अमेजोन से एंड अंदर मिलता है आपको वैक्यूम क्लीनर इस तरीके से ये बेसिकली एक हैंड हेल्ड अपराइट वैक्यूम क्लीनर है जो कि पोर्टेबल है तो आप इसे इजिली यूज कर सकते हैं डिटैच करके आप इजिली इसे रख सकते हैं कैरी भी कर सकते हैं इस रूम से उस रूम पे तो आप देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पर आपको सारी चीजें अच्छे से वेल पैक्ड दिखाई देंगी ईच एंड

मिलता है सर्विस नोजल फ्लोर ब्रश कनेक्टेड टूल एंड मल्टीपर्पज ब्रश मिलता है सो दिस इज़ द मेन यूनिट यहाँ पर आपको मिलता है, है हैंडल और ये मिलती है आपको स्विच ऑन बटन मिलती है जहाँ से आप इसे ऑन करके ऑपरेट कर सकते हो दिस इज द कंप्लीट लुक और बहुत ही स्लीक एंड क्लासी साइज का लुक है ट्रांसपेरेंट एंड ब्लैक कलर की इसकी बॉडी है एंड केबल भी आपको इनफ मिल जाती है इसमें इनफ केबल है तो आप आराम से इसे uh, एक रूम से दूसरे रूम में भी ले जा कर के यूज कर सकते हो और एक्सटेंशन की जरूरत आपको इसमें नहीं पड़ती है एंड ऑल्सो यहाँ पर आप देखो तो इसका जो वेट है वो भी काफी ज्यादा लाइट है एंड uh, इसका टोटल वेट है 1.5 पॉइंट फाइव के जी ऑल राइट सो दिस स्टिक अपराइट एंड हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर इज परफेक्ट फॉर होम एंड ऑफिस यूज टोटल एट हंड्रेड वॉट में आपको मिलता है एंड इसका प्राइस है टू ट्रिपल नाइन रुपीज दिस कम्स विथ फ्लोर एक्सटेंशन एंड विदाउट फ्लोर एक्सटेंशन दोनों के अलग अलग प्राइस हैं तो आप कोई भी परचेज कर सकते हो मैंने जो uh, मॉडल परचेज किया है वो ए, फ्लोर एक्सटेंशन के साथ में आता है एंड ऑन सेल एंड विद एडिशनल डिस्काउंट इसका प्राइस मुझे मिला था वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटीन रुपीज़ सो यू कैन ऑल्सो बाय द सेम एंड ये आपको एक साल की वारंटी के साथ मिलता है एंड ऑल्सो अगर आप चाहो तो अमेजोन पे इसके वारंटी को एक्सटेंड भी करा सकते हो एक साल की और बढ़ा सकते हो सिर्फ वन ट्वेंटी नाइन रुपीज़ पे करके तो चलिए आप इसे असेंबल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क कैसा करता है और इसका रिजल्ट कैसा आता है मेरे इसके डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स में मेंशन था कि ये कारपेट सोफा सीलिंग एंड फ्लोर को आसानी से क्लीन कर सकता है डस्ट वगैरह अच्छे से क्लीन कर सकता है और इसका सक्शन पावर भी काफी अच्छा है तो अब इसे यूज करके देखते हैं कि कैसा है ऑन स्क्रीन में आपको दिखाती हूँ मैं तो काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और सेटिस्फाइड भी हूँ ओके सो दिस इज अ मेन यूनिट ये एज इट इज आता है और यहाँ पर ये यह जो फ्रंट साइड आप देख रहे हैं इसे यहाँ से बटन को पुश करके आप रिमूव कर सकते हो और जितना डस्ट वगैरह होता है वो फिल्टर में इकट्ठा हो जाता है तो फिल्टर को रिमूव करके आप क्लीन कर सकते हो तो ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी काफी लाइट है ये जो मशीन है वो काफी लाइट है वैक्यूम क्लीनर बहुत लाइट है आप यहाँ हैंडल से पकड़ के भी यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो इसका अपराइट हैंडल दिया हुआ है फॉर मोर यूजेज़ तो पीछे आपको यहाँ हैंडल पर ही एक कनेक्टर मिलेगा यहाँ से आपको इसे कनेक्ट कर देना कुछ इस तरीके से पकड़ना है एंड अंदर पुश करना है तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा एंड बैक साइड से आप इसे लॉक कर दो मेक श्योर sure कि आपने इसे लॉक कर दिया अदरवाइज ये डिटैच भी हो सकता है एंड यहाँ पर आपको मिलता है ये हैंडल भी तो आप इससे इसे, इसे पकड़ के आसानी से ऑपरेट कर सकते हो ये फ्लोर ब्रश है और कुछ इस तरह से आता है इसे आपको बिल्कुल यहां पर इसी तरीके से कनेक्ट कर देना है अंदर पुश करोगे तो अच्छे से ये फिक्स हो जाता है और ये फिर नहीं निकलता है आराम से आप इसे बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो आ, इस तरीके से आपको इसे यूज करना है बैक साइड पर आप देखो तो फ्लोर ब्रश पे आपको दो व्हील्स दिखते हैं जिससे कि ये इजिली रोटेट हो पाता है मूव हो पाता है एक्चुअली रोटेट नहीं एंड आपको यहाँ पर तीन डिफरेंट कनेक्टर भी मिलते हैं क्लीनिंग के लिए डीप क्लीनिंग के लिए स्पेशली नोजल्स मिलते हैं एंड मल्टीपर्पज ब्रश भी मिलता है तो इन तीनों का आप डिफरेंट तरीके से अंदर एंड बेड के साइड में जो क्लीनिंग होती है वो आप इससे बहुत आराम से कर सकते हैं इनफैक्ट विंडोज के जो बॉर्डर्स uh, होते जो फ्रेम होते उसमें इतना कचरा हो जाता है वो आप क्लीन कर सकते हो, बहुत आसानी से तो चलो अभी यूज करके देख लेते हैं और देखते हैं इसका सक्शन पार कैसा है और क्या ये अच्छे से क्लीनिंग कर पाता है जितनी हम लेडीज की एक्सपेक्टेशन होती है यहाँ ऊपर दी गई स्विच ऑन बटन से प्रेस करके आप इसे स्टार्ट कर सकते हो और इतनी ही ये नॉइज जनरेट करता है जो मशीन मैंने परचेज करी इसमें ऐसी ही नॉइज होती है noise बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन स्टिल है तो इस तरीके से आप नॉर्मली आपका सोफ़ा वगैरह क्लीन कर सकते हो सर्फेस वग़ैरह क्लीन कर सकते हो बिना किसी अटैचमेंट को लगाए हुए और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सक्शन क्रिएट होता है और बहुत ज़्यादा डस्ट जो होती है वो सब कुछ बाहर निकल जाती है आप देख सकते हैं कि फ़िल्टर एकदम से वाइट से ग्रे हो गया है कितना ज़्यादा डस्ट इसमें इकट्ठा हो गई है अभी मैंने फ़िल्टर को क्लीन नहीं किया है और इस नोज़ल के साथ में आप मैं सोफ़े के साइड्स को क्लीन करने वाली हूँ यहाँ पर इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है और बिल्कुल भी किसी भी ब्रश से ये नहीं निकलता है तो ये जो नोजल है ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है यहाँ पर और सारा जितना कचरा अंदर गया था जितनी डस्ट थी अंदर जो भी खाते पीते हैं और वो अंदर चला जाता है बच्चे गिराते ही हैं सोफ़े पे तो वो सब कुछ एक एक चीज़ इसमें से बाहर निकल के आ गई है और काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया है सोफ़ा ऐसे बारीक जगह पे कितनी डस्ट होती है विजिबल नहीं होती है यहाँ आप नोजल के पास भी देख सकते हो कि अंदर कितनी डस्ट अभी दिखाई दे रही है तो इस तरीके से मैंने बाकी के सोफे जो थे बाकी की साइड्स भी क्लीन करे नोजल की हेल्प से नॉर्मली भी और बहुत सारा कचरा निकला और इकट्ठा हो गया इसी तरह से मैं वंस इन अ वीक क्लीन करती रही और काफी कुछ क्लीन हो गया और मेरी जो मुश्किल थी ना क्लीनिंग की वो आसान हो गई अगर सर्फेसेस पे डस्ट एंड कचरा बहुत ज़्यादा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार बीच में इसका फ़िल्टर क्लीन कर लें बहुत कम टाइम लगता है इसे क्लीनिंग करने पर बट आपकी मशीन अच्छे से वर्क करती है सेकेंड राउंड में इस तरीके से आपको इसे ओपन करना है और इसका जो फिल्टर है अंदर यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है उसे आप पकड़ करके बाहर निकाल लीजिए और किसी भी कॉटन से नॉर्मल कपड़े से या फिर किसी ब्रश की हेल्प से आप उसे क्लीन कर सकते हैं एंड अगर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है तो आप उसे नॉर्मली पानी से वॉश भी कर सकते हैं बहुत आसानी से क्लीन भी हो जाता है यहाँ आप देख सकते हैं कि इतने थोड़े से सफाई में ही ये फिल्टर पूरा कितना गंदा हो गया कितना खचरा यहाँ पे इकट्ठा हो गया है एंड अब आप सोच सकते हो कि कितने अच्छे से ये क्लीन कर पा रहा होगा अब इसके बाद मैंने यहाँ पर विंडो की फ्रेम्स को भी क्लीन किया थोड़े कर्टन भी क्लीन किए और फिर कारपेट एंड फ्लोर को भी क्लीन करके देखा तो सारी ही चीजें अच्छे से क्लीन हो जा रही थी यानी कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि कचरा जो बारीक बारीक कचरा कोने कोने में होता है वो सब निकल जाना चाहिए तो वो सब कुछ निकल जा रहा है बहुत इजीली से क्लीन हो जा रहा है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना कचरा इकट्ठा हो गया है इस विंडो की फ्रेम से ये सारा कचरा निकला है इसके बाद मैंने इसे कारपेट पर भी यूज किया और काफी अच्छे से कारपेट भी क्लीन हो गई अब अगर आप डेली रूटीन में फ्लोर वगैरह भी क्लीन करना चाहते हो तो वो भी आप इसकी हेल्प से बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हो जैसे कि आप ब्रूम यूज करते हो डस्टिंग के लिए बस उसी तरीके से आपको इसे होल्ड करना है एंड बस जहाँ जहाँ आप लेके जा रहे हो वहाँ वहां इसे अपने साथ साथ लेते जाओ और ये बहुत ही आसानी से फ्लोर क्लीन कर देता है आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना इजी है इसे मूव करना एंड यूज करना मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था इसे यूज करने में एंड टाइल पर जितनी भी डस्ट की डस्ट तो हो ही जाती है कचरा भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा तो ये सब कुछ उठा ले रहा था सब कुछ पूरा कवर कर ले रहा था और काफी अच्छे से क्लीन हो गई थी फर्श यहाँ फ्लोर ब्रश पे आप देख सकते हैं एक बारीक सा वाइप भी लगाया हुआ है इसे भी आप क्लीन कर सकते हो आराम से एंड आई डोंट थिंक सो कि ये वेट वाइपिंग के लिए uh, सही होगा या नहीं यहाँ पे कहीं पे मेंशन भी नहीं है और मैंने ट्राई भी नहीं किया है सो नाउ यू कैन सी कितना सारा कचरा इसमें से निकला इसके फिल्टर में से कितनी गंदगी कितना कचरा निकला पूरी क्लीनिंग करने के बाद में एंड आई कैन से इट्स एन इंडीड प्रोडक्ट ये बहुत जरूरी प्रोडक्ट मस्ट हैव वन एंड आपके पास ये तो जरूर होना चाहिए इस तरह के डीप क्लीनिंग के लिए Uh, काफी अच्छे से ये क्लीन कर देता है बारीक जगहों से सारा कचरा बाहर निकाल देता है और अगर आप घर में बच्चे हैं तब तो आपके लिए एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है आई गेस एंड मुझे काफी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब भी आप इस वैक्यूम uh, क्लीनर से क्लीनिंग कर रहे हो तो आप बीच में एक बार इसका फिल्टर जरूर क्लीन कर लो जिससे मशीन आपकी अच्छे से वर्क करेगी काफी लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगी और ओवरहीट भी नहीं होगी सो गायस दिस वॉज ऑल अबाउट एगारो टू इन वन अपराइट वैक्यूम And I'm sure ये वीडियो आपको हेल्प जरूर करेगा और पसंद भी आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज टैप ऑन द लाइक बटन और अगर आप भी किसी हल्के फुल्के से वैक्यूम क्लीनर की तलाश में हैं सो डेफिनेटली ये वाला आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन होने वाला है इस दिवाली क्लीनिंग के लिए और इसकी जो भी पॉसिबल डिटेल्स होंगी परचेज डिटेल वो सभी कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वो चेक करना मत भूलिएगा एन आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो स्टे हैप्पी एंड बाय